श्रील प्रभुपाद के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम में ये तीन गुण बताए गए हैं प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में, कि जो साधु व्यक्ति है, जो सेंटली पर्सनालिटी है, उसके तीन गुण होते हैं। पहला कि वो जेन्युइनली वो कंसर्न होते हैं दूसरों के प्रति, है ना। और दूसरा वो जेन्युइनली कंसर्न, दूसरा दे आर कन्विंस्ड, और तीसरा है कि वो कंपैशनेट। तो जो साधु है वो बहुत ही कंसर्न रहता है दूसरों के प्रति, है ना। और वो मतलब वो दूसरों के दुख से दुखी है, है ना। संसार में जो लोग दुखी हैं, उनके जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसे हुए हैं, उनके दुख को देख के वो परेशान रहता है कि क्यों लोग इतना दुख भोग रहे हैं। ये है साधु की पहला लक्षण, कि वो ये देखता है कि संसार के लोग दुखी हैं और संसार के लोगों के दुख को देख के वो खुद को दुखी फील करता है, उसको कष्ट होता है। पहला, अब सिर्फ दूसरों को दुखी देख के और उससे खुद दुखी होना अच्छा है, पर इतने से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वालिटी बताई गई है कि उसको ये पता होता है कि इसके दुख को निवारण करने के लिए क्या उपाय है। ये साधु का दूसरा लक्षण है कि उसको पता है कि ये जो दुखी लोग हैं, इनको दुख से निकालने के लिए ये तरीका है भाई, है ना। तो वो तरीका जो है उसको पता है, और ना सिर्फ पता है, वो उसमें पूरा फर्म कन्विंस्ड है, वो उसमें पूरी तरीके से मतलब विश्वास है, उसको अडिग विश्वास है कि हाँ ये करने से ये दुख परेशानी दूर होंगी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बच जाएगा, ये उसको बिल्कुल विश्वास है, है ना। और तीसरा जो है वो है कि वो उसका हृदय बहुत ही दयालु है। कैसे, वो ना सिर्फ उसको वो दूसरों के प्रति दूसरों के दुख से दुखी है और भला करना चाहता है, ये एक भाव है, और उसके बाद उसको पता भी है कैसे इनका भला करना है, कैसे इनको दुख से बाहर निकालना है। तो ये दो ही नहीं, वो अपने आप को अपनी जीवन के रिस्क पे, है ना, मतलब अपनी जान पे खेल के भी वो उसको बचाएगा। ये तीसरा है, इतना दया है उसके हृदय में साधु के कि वो अपने जान पे खेल के, मतलब बहुत कष्ट झेल के भी वो दूसरों को उस कष्ट से निकालना चाहता है, है ना। तो हम जो है ये तीन जो साधु के लक्षण बताए हैं भागवतम में, हम श्रील प्रभुपाद के जीवन में देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने देखा कि किस तरीके से लोग पाश्चात्य सभ्यता की वजह से पूरा जन्म मृत्यु जरा व्याधि में और फंसते चले जा रहे हैं, और भौतिक जगत में और फंसते चले जा रहे हैं, और नीचे का स्तर वो जो है जानवरों के जैसा जीवन और व्यतीत कर रहे हैं। तो उन्होंने इस भाव को, इस दुख को समझा कि सभी लोग दुखी हैं, और इसलिए उन्होंने ना सिर्फ वो इसको समझे, पर उनको प्रोसेस भी पता था, सॉल्यूशन भी पता था, क्या, कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, संकीर्तन यज्ञ करके कलयुग के इस प्रभाव से, भौतिक जगत के इस दुखों से बाहर निकला जा सकता है। और उनको ना सिर्फ पता था, उनको इस बात पे पूरा विश्वास था, क्योंकि जब उनको विश्वास था तभी तो दूसरों को दिला पाया। अगर वो खुद भी इस पे उन्हें विश्वास नहीं होता तो दूसरों को कैसे इस पे विश्वास दिलाते। तो उनको बहुत ही जो है स्ट्रॉन्ग इस पे विश्वास था। और फिर सिर्फ यही दो चीज़ नहीं, तीसरा उनको इतना दया का भाव था कि वो 70 साल की उम्र में गए हैं अमेरिका कार्गो जहाज में बैठ के, हैं, मतलब रास्ते में जाते समय 2 बार हार्ट अटैक आए, और कैप्टन ने कहा कि हम आपको वापस भेज देते हैं, आप वापस चले जाइए, है ना। लेकिन उनका नहीं, अब तो बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि मेरे पास समय कम है और अब तो मुझे बहुत अर्जेंट है कि जाना है ना। तो वो इसको
आराम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो वृंदावन में जब रहते थे अमेरिका जाने से पहले, तो वृंदावन में रहते अगर, तो जाहिर सी बात है वृंदावन में नॉर्मली सभी लोग साधु का सम्मान करते हैं, उनका देखभाल हो ही रहा था, अच्छा से उनको एक रूम दिया था राधा दामोदर मंदिर में, सब कुछ बढ़िया था, है ना। लेकिन वहीं से प्रचार कर लेते, लेकिन वो अपनी उस पर खेल के, अपना रिस्क लेके, जीवन का रिस्क लेके अमेरिका गए। उनको पता था वहाँ पे उनको ना कोई जानने वाला, ना भाषा, ना कोई पैसा भी नहीं, 40 रुपये उनकी जेब में थे, वो भी इंडियन करेंसी वहाँ जाके चलती नहीं, तो पैसा भी नहीं कुछ नहीं, फिर भी वो वहाँ गए क्योंकि उनको इस बात का उनको ये कष्ट था कि लोग दुखी हैं और मुझे उनको उससे उनमें उसकी मदद करनी है, ठीक है। तो ये जो है श्री प्रभुपाद का तीसरा जो है लक्षण था, ठीक है। तो